कलयुग में मनुष्य दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढेगा, अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की हत्या करने में भी उसे कोई ग्लानी, कोई पश्चाताप नहीं होगा। दूसरों के रक्त में सनी हुई रोटी वो स्वयं भी खाएगा और अपनी संतान को भी खिलाएगा। खून के रिश्ते मैले होंगे, शर्म करेगा कोई ना, पक्ष आसुरी भाएगा, धर्म पड़ेगा कोई ना, कर्म की बातें सब करेंगे, हाथों में ले गीता को, फलों की सबको चिंता होगी, कर्म करेगा कोई ना, न्याय बिकेगा खुला और मौन पड़ेंगे न्यायाधीश, लोगों के ही आगे होगी हत्या फिर तो न्याय की, जिसने ना कसूर किया वो कारागार में रोएगा, जान लेगा भाई सगा स्वयं अपने भाई की, आवाज उठेगी नेकी की ना सब करेंगे छोटा मन, लोग हंसेंगे देख किसी का बेबसी में रोता क्षण, वापस से भी नीचे हाँ होंगे सो दुर्योधन, तीर फटेगा नारी का तो सब बनेंगे श्रोतागण, नीच बड़े उकसाएंगे कि त्याग देना तू धर्म, हरी कथा को छोड़ और कलि के आके छू चरण, माँ भाभी और बहनों को न छोड़ेंगे वो भेड़िए, बच्चों से भी नीच करेंगे वो गिरों में कुकर्म, आने वाला काला युग होगा कुछ ऐसा, पूजेंगे वो देव एक ही जिसे कहेंगे पैसा, रिश्तों को ये खाएगा न्याय रखेगा जेब में, पैसे कहाँ जादू कुछ होगा प्राणी ऐसा, श्रद्धा झूठी कभी भी दिल की काली को है ढकती ना, ढोंगियों की झूठी लीला कभी ढोंग से थकती ना, मंदिरों के आगे ये नाच करे श्रृंगार में, पाने को प्रसिद्धि बस ढोंग करेंगे भक्ति का, अन्य तो कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्य की विचारधारा इससे भी गिरी हुई होगी। अस्थाई सुखों को पाने हेतु सभी हवस को भागेंगे, साहस होगा जीने का ना काया खुद की टांगेंगे, नहीं मिलेंगे श्रवण कुमार मांगेंगे वो संपत्ति, राम नाम तो लेंगे पर मर्यादा भी लांगेंगे, मदिरा जुआ सोना काम बैठेंगे ये सर पर ही, वैशाले ही करेंगे तब सबके मन को आकर्षित, लहू लगेगा मुंह ऐसा की मानवता को भूलेंगे, पशु तक ना सीमित होंगे बनेंगे सारे नरभक्षी, प्रेम की परिभाषा भी ये देंगे यहाँ पे पूरी रौंद, देव वचन ये प्रेमी को करेंगे सारों से संभोग, गली काल के प्राणी ना सात वचन निभाएंगे, निष्ठा होगी रिश्तों में चिंता का बस होगा ढोंग, छोटे से ही विवरण में लेना तुम अनुमान लगा, असुरों से भी नीच बनेंगे सृष्टि के इंसान, वहां प्रहलाद के जैसे मिला कोई तो भवसागर के होगा पार, बैठेगा ना कोई वरना नारायण में ध्यान लगा, कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े बड़े हितों को भेंट चढ़ाने में संकोच नहीं करेगा।